हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी दिस इज मी मोंगा और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे मुझे कि सर आप यहां पे जजमेंट्स को लाइव भी लेकर आओ सो टुडे आई एम हियर लाइव विद यू गाइस और आज हम यहां पे एक जजमेंट करेंगे रिगार्डिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि सी का टॉपिक सेक्शन वन सेवन थ्री एट ऑफ द आर सी टॉक्स अबाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन पहले तो हम यहाँ पे जनरली देख लेते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती क्या है जब यहां पे मांग कर चलो जब यहां पे एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई एफआईआर हुई एफआईआर अगर अभी हुई है और उसके बाद यहां पे इन्वेस्टिगेशन हो गई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहां पे पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई सेक्शन 173 क्लॉज थ्री क्लॉस टू ऑफ द सीआरपीसी में राइट इसी तरह से होता है अब जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है

आज का जो हमारा केस है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसी तरह के केसेस आपको मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते भी हैं राइट ये केस देखिए आप सतीश कुमार स्टेट ऑफ़ गुजरात और ये यहां पे 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इस केस में यहां पे क्या होता है कि अब यहां पर मिस्टर ए के खिलाफ यहां पर चार्ज ऑलरेडी फाइल हो चुके ए के खिलाफ ऑलरेडी चार्ज फाइल हो चुका है यानी कि चार्ज फाइल होने का मतलब कि इसके रिगार्डिंग अब चल रहा है अब दिस, जब ट्रायल चल रहा है, तो एक फाइल की जाती है हाई में कि यहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाए अगेंस्ट बी समझ तो आई बात चार्ज ऑलरेडी ए के अगेंस्ट फाइल हो चुका है ट्रायल चल रहा है अब यहां एक एक एप्लीकेशन फाइल होती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टर बी भी क्राइम में इन्वॉल्व है और उसके रिगार्डिंग अब हमें यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन एप्लीकेशन फाइल होती है अब जब एप्लीकेशन की हेरिंग चल रही होती है देन दिस पर्सन जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है द पर्सन इज ऑलरेडी अंडर द ट्रायल ये यहां पे एक एप्लीकेशन फाइल करता है बिफोर द हाई कोर्ट कि यहां पे मुझे भी रिस्पोंडेंट बनना है

उसमें मुझे रिस्पॉन्डेंट बना मुझे भी यहां पे जानना है कि यहां तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो क्या बनेगा? जब सुप्रीम के पास इशू गए तो यहाँ पे इशू ये बना कि क्या मिस्टर ए का यहां पे कोई भी लोकल स्टैंड नहीं है वेदर मिस्टर ए कैन बी इंप्लीडेड एज अ पार्टी In a further investigation application against Mr. B, the issue raised was whether the appealant, who is one of the co accused, who is one of the co accused against whom the charge sheet is already filed and against whom the trial is in progress, is required to be heard or has any locus standi in the proceeding under section 173, clause 8, that is, further investigation. अगेंस्ट होम नो चार्ज हैज बीन कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है क्या यहाँ पे मिस्टर ए को यहाँ पे इम्प्लीट कर सकते हो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ मान लो अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल केस है और Mr. A, Mr. A के अगेंस्ट एफआईआर फाइल गई क्या जब एफआईआर फाइल होती है क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे का कोई भी काम होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तो स्टैंड होता ही नहीं को कब जाता है जब यहां पर इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीडिंग होगी उसका कोई स्टैंड नहीं है तभी उसका कोई लोकल स्टैंड नहीं है तो यहां तो पर तो भाई साहब इसका क्या राइट होगा क्या ये स्पेशल पार्टी है क्या ये प्रॉपर पार्टी है इफ ईजेशन दिस केस तब तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये अगर स्पेशल पार्टी है तो इसको यहाँ पे जाने देना चाहिए क्योंकि तो इसको पता लगना चाहिए कि पे प्रोसीडिंग्स में हो क्या 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 रहा है 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 बट ये ये स्पेशल पार्टी है, क्या ये पार्टी प्रॉपर है? नहीं क्योंकि है। तो जब जब कोई जिस जब किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो खुद एक्यूज वहां पे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो नहीं बन सकता ना क्या उसको कोई राइट राइट ऑफ हेयरिंग होता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज नो ये जो राइट ऑफ हेयरिंग है ये सब कब मिलता है आपको ड्यूरिंग द ट्रायल राइट तो यहाँ पे सी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई दैट देर इज obliged सी आर पी सी विच सजेस्ट इज for टू हेयर एनी डायरेक्शन फॉर फर्दर 173, इज मेड में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया अगर एक अक्यूज ऑलरेडी है तो उनको सुना जाए पहले किसी और के खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रीजनिंग क्या होगी आंसर तो आपको पता लग गया बट यू ऑलरेडी नो आप लोग मेरे से कब से जुड़े हो यू ऑलरेडी नो कि हमें देखनी होती है लीगल रीजनिंग टैक्स पता पता लग गया, पता लग गया गया आंसर बट जो मेन क्रक्स है उस उस रीजनिंग डिसीजन पे कैसे पहुंचे उसे हम बोलते हैं लीगल रीजनिंग लीगल रीजनिंग अब ये लीगल रीजनिंग क्या है सी पहली बात तो ये है दिस पर्सन इज नॉट अ दिस पर्सन इज नॉट अ प्रॉपर पार्टी ना तो ये प्रॉपर पार्टी है और ना ही ये नेसेसरी पार्टी है इट मीनस वॉट इसके बिना भी यहां पे हेरिंग हो सकती है अगर ये हेयरिंग में नहीं है अगर इसको रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट नहीं uh, as a respondent नहीं एज अ करते देन द केस कैन गो इसकी कोई जरूरत नहीं है इज नॉट अ प्रॉपर पार्टी इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी एंड द अनदर थिंग इज कि अगर इसको अलाउ कर दिया जाए कि भाई इसको भी सुनो किसी uh, किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो इसको भी बुलाकर सुनो

He does not even have any locus standi in his own, in his own investigation. No locus standi, No locus standi in his own investigation. In his own investigation. And third reasoning is that this is just our obligation. this is just an casting an obligation on the judicial magistrate to hear all the accused. the application file kardenge, which is not required. क्योंकि इस तरह की ऑब्लिगेशन से लिटिगेशन भी बढ़ेगी और आ, ट्रायल बहुत लंबा चलेगा और इनकी जरूरत है नहीं राइट कास्टिंग ऑफ एनी सच ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट वुड ओनली रिजल्ट इन द इनकम्बरिंग द कोर्ट विद द बर्डन ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल द पोटेंशियल टू बी अफोर्डेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट एज द एज अ लॉ डज नॉट रिक्वायर इट वी वुड नॉट बर्डन द मेजिस्ट्रेट विद सच एन ऑब्लिगेशन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट क्लियर होगी आपकी पूरी कंसेप्ट यहाँ पे

वन इज आवर जुडिशरी महापैक एंड अनदर इज आवर स्मार्ट कोर्स जुडिशरी का जो महापैक है ना महापैक में हम आपको मेजर लॉस माइनर लॉस लोकल लॉस करेंट अफेयर जीके मॉक टेस्ट सीरीज एवरी थिंग इज प्रोवाइडेड टू यू इन दिस कोर्स और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली इन फोर्टीन थाउजेंड ट्रिपल नाइन बहुत ही कम प्राइस में आपको इतने से इतने सब्जेक्ट्स का सारा कुछ करवाया जाएगा फोर्टीन थाउजेंड ट्रिपल नाइन में आप ये बाय कर सकते हो आप स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पे जाओगे वेबसाइट पर जाके आप जब जुडिशरी महापैक कोर्स को देखोगे तब आपको वहां पे ये डिस्काउंट कोड यूज करना है डी ई वी देव माई नेम इज वासुदेव मोंगा द मिडल पार्ट ऑफ माई नेम देव इज माई डिस्काउंट कोड आप ये कोड यूज करें एंड उस कोर्स को बाय करें एंड इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर ओनली वन पर्टिकुलर स्टेट आप एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हो जैसे कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन आउट हुई है तो आपको अगर हिमाचल प्रदेश की ही तैयारी करनी है डिस्काउंट कोड डीवी देव ऑल राइट थैंक यू सो मच और मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ता रहूंगा लाइव क्लासेस भी लेकर आऊंगा जजमेंट्स को कवर करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को करेंगे ऑल देन थैंक यू सो मच